बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने क़यामत की 30 निशानियां बयान की थी। मज़ीद अब आगे क़यामत की निशानियों को बयान किया जाता है। नंबर 31 सोना आम हो जाएगा। नंबर 32 चांदी की मांग होगी। नंबर 33 गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 34 अमन कम हो जाएगा। नंबर 35 क़ुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उस पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे। नंबर 36 मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे। नंबर 37 ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे। नंबर 38 लेकिन दिल वैरान होंगे। नंबर 39 शराबें पी जाएंगी। नंबर 40 शरी सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। नंबर 41 लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज के साथ सलूक करता है। नंबर 42 जो लोग नंगे पांव, नंगे बदन गैर महज़ब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे, यानी कमीने और नीच जात के लोग सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। नंबर 43 तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी जैसे आजकल हो रहा है। औरतें जिंदगी के हर काम में मर्दों के शाना बशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। नंबर 44 मर्द औरतों की नकाली करेंगे। नंबर 45 औरतें मर्दों की नकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगी। तो आज देख लें, नए फैशन ने ये हालत कर दी है कि दूर से देखो तो पता लगना मुश्किल होता है कि ये मर्द है या औरत है। नंबर 46 गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह की या अल्लाह की सिफत की और कुरान की खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग और चीज़ों की कस्में खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम, तेरे बाप की कसम, गौस पाक की कसम, मौला अली की कसम वगैरह वगैरह। नंबर 47 मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार होगा। और लोग तो ये काम करते ही हैं, लेकिन उस वक़्त मुसलमान भी झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। नंबर 48 सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि वतुक्रिउस सलामा अला मन अरफ्ता वमन लम तारिफ, यानी जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको तुम नहीं जानते हो उसको भी सलाम करो, खास तौर पर उस वक़्त जबकि रास्ते में इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे हों, तो उस वक़्त सब आने जाने वालों को सलाम करना चाहिए। लेकिन अगर आने जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो और सलाम की वजह से अपने काम में खलल आने का अंदेशा हो तो फिर सलाम न करने की भी गुंजाइश है। लेकिन एक ज़माना ऐसा आएगा कि इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे होंगे तब भी सलाम नहीं करेंगे और सलाम का रिवाज ख़त्म हो जाएगा। नंबर 49 गैर दीन के लिए शरी इलम पढ़ा जाएगा, यानी शरी इलम दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पढ़ा जाएगा और मकसद ये होगा कि इसके ज़रिए हमें डिग्री मिल जाएगी, मुलाजमत मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, इज्जत और शोहरत हासिल हो जाएगी। इन मकासद के लिए दीन का इलम पढ़ा जाएगा। नंबर 50 आखरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। नंबर 51 माल गनीमत को ज़ाती जागीर समझा जाएगा। माल गनीमत से मुराद कौमी ख़जाना है, यानी कौमी ख़जाने को ज़ाती जागीर और ज़ाती दौलत समझकर मामला करेंगे। नंबर 52 अमानत को लूट का माल समझा जाएगा, यानी अगर किसी ने अमानत रखवा दी तो समझेंगे कि यह लूट का माल हासिल हो गया है। नंबर 53 ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। नंबर 54 सबसे रज़ील आदमी कौम का लीडर और कायद बन जाएगा, यानी कौम में जो शख्स सबसे ज़्यादा रज़ील और बदखसलत इंसान होगा उसको कौम के लोग अपना कायद और अपना हीरो और अपना सरबराह बना लेंगे। नंबर 55 आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। नंबर 56 आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। नंबर 57 दोस्त को नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेंगे। नंबर 58 बीवी की इताअत करेंगे। नंबर 59 बदकारों की आवाज़ें मस्जिदों में बुलंद होंगी। नंबर 60 गाने वाली औरतों की ताज़ीम और तकरीम की जाएगी, यानी जो औरतें गाने बजाने का पेशा करने वाली हैं उनकी ताज़ीम और तकरीम की जाएगी, उनको बुलंद मर्तबा दिया जाएगा।
نمبر 61 گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ نمبر 66 شرعام شراب پی جائے گی۔ نمبر 63 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ نمبر 64 انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ نمبر 65 پولیس والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 66 قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا مزہ حاصل ہو، قرآن کی دعوت اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 67 درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ نمبر 68 امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت سی مخلوق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں، بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے، آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ نمبر 69 یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے۔ نمبر 70 یا زلزلے آ جائیں۔ نمبر 71 یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں۔ اور نمبر 72 یا آسمان سے پتھر برسیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب ہم ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھ لیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی صحیح طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔